से निकले नाले का पानी दास बगीची हनुमान मंदिर के सामने से जाता था, जिसके गंदे पानी की बदबू से न केवल भक्त परेशान थे बल्कि यहाँ भगवान की मूर्ति का चेहरा भी काला पड़ जाता था। अब इस नाले का सुधार कार्य किया जा रहा है, जिसका भूमि पूजन सांसद शंकर लालवानी, पार्षद टीनू जैन सहित अन्य भाजपा नेताओं ने किया। देखिए खास रिपोर्ट। दास हनुमान बगीची ट्रस्ट ने बरसों पुरानी बगीची को संभाल रखा है। सैकड़ों पेड़ों की हरियाली, पशु पक्षियों की आवाज यहाँ के माहौल को बहुत ही सुंदर बना देती है। बगीचे में आने वाले भक्तों के आह्वान पर नगर निगम नाले का सुधार कार्य कर रहा है। हनुमान भक्तों ने बताया कि नाले के पानी की बदबू से सभी परेशान थे। दास हनुमान की मूर्ति का चेला भी काला पड़ जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सांसद शंकर लालवानी, पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता, MIC मेंबर संतोष गौर, पार्षद टीनू जैन ने नाले के सुधार कार्य के लिए भूमि पूजन किया। इस दौरान सांसद ने गेती चलाई। सांसद शंकर लालवानी ने पश्चिम क्षेत्र की इस 100 बरस पुरानी बगीची के प्राकृतिक सौंदर्य की तारीफ की, साथ ही नगर निगम के नाला सुधार कार्य की भी सराहना की। और बहुत ही इसका पुरातन इतिहास है, 100 साल से पुरानी बगीची है, हनुमान जी का मंदिर है, प्राकृतिक सौंदर्य है। कोई समय था यहाँ पर बहुत सारे पक्षी आज भी है, उस समय तो मोर भी थे और भी तोते भी आते थे और बहुत सारे लोग यहाँ पिकनिक मनाने आते थे। कालांतर में बहुत सारी चीज़ें हो गई, आसपास निर्माण कार्य बहुत हो गए और कई वर्ष हो गए ये मंदिर स्थान का भी जीर्णोद्धार होना शेष रह गया था। पास में यहाँ पर गौशाला भी है, पास में जो नदी बहती है जो तथाकथित नाले के रूप में परिवर्तित हो गई थी, नगर निगम उसका जीर्णोद्धार कर रहा है ताकि जो पानी की जो बांस आती थी वो भी नहीं आएगी और उसका जल प्रवाह भी शुद्ध रहेगा। इस बात को लेकर नगर निगम ने योजना बनाई और उसका जनता मैं नगर निगम को बधाई देना चाहता हूँ, इस क्षेत्र के पार्षद को भी विशेष तौर पे पीपल जयंती को बधाई देना चाहता हूँ। अच्छे कार्य रोड पर दास बगीची में नाला सुधार के कार्य का भूमि पूजन हुआ है। हमारे आदरणीय लोकप्रिय सांसद शंकर लालवानी जी, वरिष्ठ नेता आदरणीय सुदर्शन गुप्ता जी, MIC के सदस्य बलराम वर्मा जी, संतोष गौर जी, देवकृष्ण सांकला जी, माणक सोगानी जी एवं यहाँ बगीचे के सभी ट्रस्टियों ने भूमि पूजन किया है और निश्चित रूप से जो नाला सुधार के बाद जो नाले में गाद और अन्य प्रकार की दिक्कतें आ रही थी वो दूर होंगी और हमारे सांसद जी, हमारे सुदर्शन गुप्ता जी और हम सबका एक ध्येय है कि पूरा क्षेत्र एक धार्मिक क्षेत्र के रूप में डेवलप हो और उसी की ओर हम सारे विकास कार्यों को आगे ले। कोई सा द्वार भी बना रहे हैं आप? एक अंतिम चौराहे पे एक द्वार बनाने की भी योजना है जो बहुत जल्दी उसका भूमि पूजन और उस कार्य को हम गति देने वाले हैं, जिससे हम तीर्थ द्वार, क्योंकि इस रोड पर काफी सारे बड़े बड़े तीर्थ हैं, दास बाबा का ये स्थान है, वीर बगीची है, गंगा बगीची है, भूतेश्वर महादेव है, पंचकुया राम मंदिर है। निश्चित रूप से जब बाहर से कोई तीर्थयात्री आएंगे तो द्वार होने से एक उसकी भव्यता भी होगी और इस पूरे क्षेत्र को हम, इसका रोड चौड़ीकरण भी हो रहा है, बीच में डिवाइडर होगा तो जो रोज आने जाने वाले लोगों को जाम रहता है यहाँ पे मुक्ति धाम भी, उस कारण से कई बार ऐसी स्थिति जाम की स्थिति बनती है, लोगों को उससे यातायात जो प्रभावित होता है उससे भी मुक्ति मिली। कुल मिलाकर जल्द ही मंदिर में आने वाले लोगों को होने वाली समस्या से निजात मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।